लेट्स स्टडी गोइंग टूडे चैप्टर 5 MSc है ना। MSc में हम चैप्टर 5 में स्टडी करेंगे फूड प्रोटेक्ट द बॉडी। ठीक है, फूड मीन्स क्या होता है, खाना जो हम खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खाना जो है, भोजन जो है, हमारे बॉडी के लिए कैसे सुरक्षा करता है, कैसे रक्षा करता है, सुरक्षा करता है हमारी बॉडी को फूड जो है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि कौन सा जो फूड जो है हमको खाना चाहिए और कौन सा फूड नहीं खाना चाहिए, कौन सा हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, और कौन सा जो फूड होता है उसमें क्या मिलता है, वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये सारा चीज़ हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ईट फूड टू लिव, फूड गिव अस एनर्जी एंड स्टैंड टू वर्क एंड प्ले। ठीक है, हम जो है जीने के लिए क्या करते हैं, फूड खाते हैं, है ना। हम जीने के लिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, जो भी है। ठीक है, जो चीज़ भी हम खाते हैं वो हम जीने के लिए खाते हैं। ठीक है, फूड जो है, फूड हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा। ठीक है, फूड से हमसे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, एंड स्ट्रेंथ टू वर्क इन प्ले। ठीक है, और क्या मिलती है हमको फूड से, स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है। ठीक है, एनर्जी एंड स्ट्रेंथ है ना, दोनों मिलते हैं, जिससे हम क्या कर पाते हैं, वर्क एंड प्ले, जिससे हम किसी भी काम को या खेल सकते हैं। ठीक है, जब हम भोजन खाते हैं, ठीक है, फूड ग्रहण करते हैं, तभी हमको क्या मिलती है, एनर्जी और ताकत मिलती है, जिससे हम कोई भी काम और खेल सकते हैं। ठीक है, गुड फूड प्रोटेक्ट फ्रॉम अस फ्रॉम इल्सनेस एंड डिसेस। ठीक है, तो जो अच्छे फूड होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के से बीमारी और रोगों को बचाता है। ठीक है, हमारी जो अच्छे फूड होते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, बीमारी और रोगों से बचाता है। एंड हेल्प कीप अस हेल्थी, और हमारी बॉडी को क्या बनाता है, हेल्थी बनाता है। होम कुक्स फूड इज़ द बेस्ट, जो हमारे घरों में जो भोजन बनती है, जो खाना बनती है हमारी घरों में, वो जो है सबसे बेस्ट होती है, सबसे अच्छी होती है। इसलिए बाहर की जो खाना होती है उसको हमको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, हम सबके अपने अपने घर में जो खाना बनती है वो क्या होती है, हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फूड, सो बहुत सारे प्रकार के फूड होते हैं, जैसे कि आप लोग तरह तरह के सिखाते हैं ना, जैसे चपाटी, दाल, चावल, सब्जी, फ्रूट है, बहुत सारे प्रकार के वेजिटेबल्स, आप लोग अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स एवरीडे खाते हो, है ना। तो ये जो है मैनी काइंड्स ऑफ फूड्स होते हैं, डिफरेंट फूड्स हेल्प डिफरेंट वेव्स, और अलग अलग जो फूड होते हैं उनसे हमको अलग अलग चीज़ प्रदान करती है ना, अलग अलग चीज़ें हमको मिलती है। सम फूड्स हेल्प अस ग्रो, कुछ फूड जो होते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ जो होते हैं, कुछ भोजन जो होता है, वो हमारी जो हाइट है उसको क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक, सॉरी, हमारी जो बॉडी है उसको क्या करता है, ग्रो करता है। सम बिल्ड अप अवर बोन्स एंड मसल्स, और कुछ जो हमारी जो बोन्स होते हैं, बोन्स मीन्स होता है हड्डियाँ, ठीक है, और मसल्स है ना, ये जो है कुछ जो फूड होते हैं वो हमारी मसल्स और बोन्स को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रखता है। सम गिव अस एनर्जी, और कुछ जो है क्या करते हैं, हमको एनर्जी देता है, ऊर्जा देती है। विच वी यूज टू वर्क एंड प्ले, जिससे हम क्या कर पाते हैं, कोई भी काम कर पाते हैं और खेल पाते हैं। विल सम कीप अस हेल्थी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, है ना। और बहुत सारे जो फूड होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्थी बनाता है, और जो डिसीज होता है, बीमारियों है ना, रोगों से क्या करता है, दूर करता है। वी शुड ईट सम फूड ऑफ ईच काइंड वेरी डे, और हम रोज़ अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, फूड खाते हैं, जैसे कि आपके यहाँ सबके यहाँ रोज़ अलग अलग बनता होगा, अलग अलग चीज़, अलग अलग वेजिटेबल्स है ना, कभी दाल बनता है तो कभी और कुछ सब्जी बनता है ना, अलग अलग प्रकार के सब्जियाँ रोज़ बनती हैं, है ना, और आप लोग अलग अलग चीज़ों को खाते हो। इट विल प्रोटेक्ट अवर बॉडी एंड मेक अ ग्रो हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, जिससे वो जो हमारी बॉडी की रक्षा करता है और हमारी जो बॉडी है उसको क्या करता है, ग्रो करता है, बढ़ाता है ना, और हमारी बॉडी को हेल्थी रखता है और स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक है, वी मस्ट आल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमको अच्छे से क्या करना चाहिए, वाटर पीना चाहिए, अच्छे से ड्रिंक करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है हमको पीना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारी जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, हमारी बॉडी की, वो जो है क्या रहता है, अच्छे होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्या करना चाहिए, वाटर पीना चाहिए।
लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंस काइंड ऑफ फूड। तो यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के यहाँ पर फूड के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, स्टडी करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। द रोल प्लेड बाई देम इन हेल्पिंग अस ग्रो, जो कि हमको क्या करता है खेलने में मदद करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी बॉडी को बढ़ाता है और हमेशा क्या करता है हेल्थी बनाता है और हमारी बॉडी को क्या करता है सुरक्षा करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, कैरोट है, क्या है, कैरोट, ठीक है। ये कैन यू सी हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि कैन यू सी, मुझे देखिए, आई एम कैरोट, मैं क्या हूँ, कैरोट हूँ, आई एम फुल ऑफ विटामिन्स, मुझ में क्या होती है, फुल विटामिन्स होती है, और ठीक है, स्पेशली विटामिन्स ए, इसमें स्पेशल विटामिन क्या होता है कैरोट में, ए, ठीक है। जैसे कि आप लोग बहुत सारे विटामिन के प्रकार हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, तो कैरोट में स्पेशली कौन सा विटामिन होता है, ए। प्लीज़ एड मी योर डाइट, आप मुझे अपनी डाइट में क्या कीजिए, एड कीजिए, द मोर यू ईट, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, द बेटर यूअर आई साइट इज़ गोइंग टू बी, जिससे आपका जो आई साइट है वो क्या होगा, अच्छा रहेगा, ठीक है अच्छा बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लुक एट द कैबेज, है ना, यहाँ पर क्या है, ये कैबेज को देखो, ठीक है। सी सर्टेनली लुक वेरी सैड, ये दुखी है, वो क्या बोल रहा है कि वह जो है दुखी है, ठीक है। यहाँ पर कैबेज को आप देखो, ये दुखी है, क्यों दुखी है, सी से लिटिल चिल्ड्रंस आर नॉट फाउंड ऑफ हर, क्योंकि ये लिटिल चिल्ड्रंस जो छोटे बच्चे होते हैं वो खाते नहीं हैं, हर वेगीज फ्रेंड्स और फ्रेंड्स जो नहीं खाते हैं, बट डू यू नो हाउ हेल्पफुल हर वेगीज फ्रेंड्स आर, ठीक है, लेकिन ये जो है क्या होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। ग्रीन वेजिटेबल्स हेल्प अस डाइजेस्ट अवर फूड इजली, ठीक है। और ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स होता है वो जो हमारी जो भोजन करते हैं, हम फूड ग्रहण करते हैं, उसको पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। एंड क्लीन अप यूअर लिटिल टमी सो दैट यू विल नेवर कंप्लेन अबाउट स्टोमच, ठीक है, जो कि ये हमारे पेट को भी क्या करता है, साफ रखता है, साफ, ठीक है, जो कि कभी भी दर्द का कंप्लेन नहीं आता, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए क्या ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर दिया गया है, यहाँ पर देखिए, कैन यू रिकोनिस मी, है ना, इसको पहचानिए बोल रहा है, ये कौन है, भिंडी, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेडी फिंगर्स, माई नेम इज़ लेडी फिंगर्स, ठीक है, ये बता रहे कि मैं क्या हूँ, लेडी फिंगर हूँ। इफ़ यू ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, ये कि ग्रीन वेजिटेबल्स है, ठीक है, लाइक मी, मुझे क्या करो, पसंद करो, यू विल ऑलवेज रिमेन हेल्थी, मैं हमेशा क्या बनाऊँगा, ये इसको खाने से क्या होता है बोल रहे हैं, हेल्थी बनता है बॉडी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आई एम अ लिटिल पियर्स एंड आई एम फुल ऑफ विटामिन, ये क्या है, पियर है, ठीक है नाशपत्ती जिसको बोलते हैं, ठीक है। आई एम फुल ऑफ विटामिन सी, इसमें ये क्या बोल रहा है कि मुझ में फुल विटामिन सी पाया जाता है ना, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। इफ़ यू ईट मी रेगुलरली, मुझे रोज खाओ, जिससे आपको कभी भी ठंडी महसूस नहीं होगी, ठीक है उसके बाद है, माइंडियस लाइक्स कैल्शियम आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ बोन्स एंड वी गेट प्लेंटी ऑफ इट फ्रॉम मिल्क एंड चीज, ठीक है। यहाँ पर माइंडियस लाइक मुझे कैल्शियम, जैसे आपको मिल्क और जो बटर चीज़ होते हैं, है ना, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोटीन मिलता है उससे हमको, फिश है, नट्स है, वेजिटेबल्स है, ये इससे क्या मिलता है, प्रोटीन से मिलता है। तो इसको भी आपको अपनी जो फूड है उसमें आपको अधिक से अधिक इसको इन्वॉल्व करना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, शुगर एंड स्टार्च फूड्स फील अस अप सप्ली विथ अस विद द एनर्जी दैट वी कंस्टेंटली नीड, दिस सर्च कम फ्रॉम राइस एंड अदर फूड अगेन ग्रैन, है ना, जो फूड राइस होती है और चावल होती है, इसमें भी क्या पाया जाता है, शुगर और स्टार्च मिलता है हमको, है ना, जैसे चावल से कार्बोहाइड्रेट, है ना, तो इसको भी आपके जो फूड है उसमें आपको अधिक से अधिक लेना चाहिए, जिससे इससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, इससे इसको खाने से एनर्जी मिलती है, ठीक है। उसके बाद आगे दिया गया है, सम अमाउंट्स ऑफ फैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव्स अस एनर्जी, दिस कम्स फ्रॉम बटर एंड घी, ठीक है। यहाँ पर कुछ
कुछ जो अमाउंट्स हैं वो जो है क्या देते हैं हमको, एनर्जी मिलती है। ठीक है, कैसे एनर्जी, वसा, जैसे कि इसको बोलते हैं फैट, जैसे कि तेल है, घी है, बटर है, है ना, ये सारे से हमको क्या मिलती है, फैट मिलती है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, घी में और बटर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ जो अमाउंट्स है वो हमको वसा प्रदान करते हैं, फैट, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, जैसे कि ये बटर और घी। द राइट कम्बिनेशंस ऑफ ऑल दिस फूड्स विल डिफरेंटली मेक यूअर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। इस प्रकार से सभी जो फूड है उसको आपको शामिल करके, है ना, कम्बिनेशन करके क्या करना चाहिए, आपको खाना चाहिए, जिससे आपका जो बॉडी है वो क्या बना रहेगा, हमेशा स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बॉडी बना रहेगा। ठीक है, सभी को हेल्थी बॉडी बनाना है तो सभी प्रकार के जो फूड है उसको आपको खाना चाहिए। एवॉइड ईटिंग जंक फूड एंड ऑयली स्टिक फूड, जैसे कि ऑयली फूड और जो जंक फूड होते हैं, जैसे कि आपका कुरकुरे, चिप्स, बर्गर, चॉकलेट, है ना, ये सारे क्या हैं, जंक फूड है ना। तो जंक फूड जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, तो इसको हमको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इससे हमको बचना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू ईट ऑयली स्टेट फूड यू विल बिकम मोर प्रोन टू डिसेज, जिससे हमको जो जंक फूड खाते हैं, जैसे कि मैगी, आपका बर्गर, कुरकुरे, चिप्स, ये सब जंक्स फूड है, जिसको खाने से हमको कभी भी क्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है। ठीक है, डू नॉट स्पीक वेल ईटिंग एंड एव यूअर फूड स्लोली एंड प्रॉपरली। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, जो जैसे ईट करते रहते हो, आप लोग खाते रहते हो, तो आपको इस ज़्यादा स्पीक नहीं करना चाहिए, है ना, जैसे कि हमारा जो फूड होता है वो गर्म गर्म रहता है, हॉट रहता है, तो हमको तुरंत तुरंत उसको खा लेना चाहिए, जिससे हमको अच्छे ठीक टाइम में अच्छे चीज़ मिले। इसलिए हमको ज़्यादा चैटिंग नहीं करना चाहिए खाते वक्त। ठीक है, तो और एकदम स्लो भी नहीं खाना चाहिए। इनरिच योर डाइट विथ ग्रीन वेजिटेबल्स पल्सेस, अपने जो डाइट है उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स पल्सेस, है ना, ये सब पल्सेस एंड स्प्रोटनेट, ये जो पल्सेस है ग्रीन वेजिटेबल्स है, इसको शामिल करना चाहिए। ठीक है, फॉर अ हेल्थी ग्लोइंग स्किन ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमको अच्छे से ज़्यादा वाटर पीना चाहिए। पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट लाइक क्रिकेट, फुटबॉल और एनी अदर गेम्स दैट यू लाइक, इट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। हमको क्या करना चाहिए हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए, कि समय समय पर हमको स्पोर्ट, जैसे कि बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम्स हैं, उसको हमको खेलना चाहिए, जिससे एक प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज हो जाएगा, जिससे हमारा बॉडी जो है क्या बनेगा, हेल्थी बनेगा, हमेशा स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ईट हेल्थी, हेल्थी चीज़ खाओ, है ना, स्वस्थ चीज़ खाओ, थिंक हेल्थी और स्वस्थ सोचो, तो हमेशा क्या रहोगे, हेल्थी रहोगे। ठीक है, स्वस्थ खाना है, स्वस्थ सोचना है और स्वस्थ रहना है। ठीक है, ईट हेल्थी, थिंक हेल्थी, बी हेल्थी। तो आप लोग जब स्वस्थ खाओ, स्वस्थ चीज़ को खाओगे, स्वस्थ सोचोगे, तो हमेशा क्या रहोगे, स्वस्थ रहोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज में दिया गया है, देखिए फर्स्ट नंबर, हियर आर सो मैनी थिंग्स स्वीट, हम बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं, ड्रेव आई स्माइलिंग फेस, है ना, आपको स्माइलिंग फेस करना है। नेक्स्ट टू द फूड यू लाइक, जो फूड जो है आपको पसंद है उसमें आपको क्या करना है, स्माइल फेस करना है, है ना, और जो फूड जो है आपको पसंद नहीं है वहाँ पर आपको फॉविंग फेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है फ्रूट, चिप्स, वेजिटेबल्स, बर्गर, चाउमीन, मिल्क, चॉकलेट और सेरेवल। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, जो आपको इसमें से जो फूड जो है आपको पसंद है उसमें आपको स्माइल फेस करना है, और जो पसंद है उसमें फ्रॉमिंग फेस करना है। ठीक है,